इवनिंग एवरीवन, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो हमारा 13th अक्टूबर को एयरफोर्स स्कूल में वॉक इन इंटरव्यू था, उसमें गए होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी, पीआरटी जनरल, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर असिस्टेंट. सो आप लोगों का वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था जैसे कि मुझे आप लोगों ने बताया, एंड आप लोग डेफिनेटली अपने स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे. तो आप उसकी वेबसाइट पे आप जाते जाइए, एयरफोर्स स्कूल की जो आपकी वेबसाइट है उसी पे आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उसी की रिजल्ट आपकी उसकी लिस्ट निकलेगी. और अभी तक नहीं निकली है तो नो प्रॉब्लम, आप वेट कर लीजिए. अगर आप लोगों को नहीं दिख रही है लिस्ट, आप लोग क्योंकि टेफ्स का जो आपका दी एयरफोर्स स्कूल है, इसकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है, इसकी लिस्ट तो आपकी रात को 9:30-9:30 बजे तक भी अपलोड हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि आप उस लिस्ट पे डिपेंड रहेंगे. आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि आपका लिस्ट में नाम आ सकता है फॉर द इंटरव्यू, फॉर द फाइनल इंटरव्यू, तो डेफिनेटली प्रिपेयर करिए. प्रिपरेशन आप क्या क्या करेंगे, एक डेमो अपने घर से पक्का प्रिपेयर करके जाएंगे. एंड अगर आप टीजीटी हिंदी हैं तो ऑफकोर्स हिंदी का डेमो, अगर आप कंप्यूटर साइंस का है तो आप कंप्यूटर का, और अगर आप लोग पीआरटी जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, इन चारों सब्जेक्ट्स का एक एक डेमो ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं. और इंटरव्यू रूम में आपके जितने भी आपके हो सकता है 4 से 5 ज़्यादा इंटरव्यूअर्स होंगे तो वहीं पर आपका एक छोटा सा डेमो ले लेंगे आपको कोई टॉपिक दे के. एंड अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाएं, कोई भी कुछ भी वहाँ पे झूठ ना बोले क्योंकि झूठ वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.